हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विलेंस रिलेशन कैसे करेंगे देखिए एक्सक्यूज मी लेट ए ए हमारा क्या सेट है ए हमारा सेट है सेट ऑफ ऑल द बुक्स ऑल द बुक्स in a library ठीक है हमारा set of books in a library ये हमारे क्या है relation uh, set ए उसके बाद relation क्या कहते हैं कि x और y दो books है और x and y have same नंबर ऑफ पिचेस ठीक है सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव क्या कहता है हमारा फॉर ऑल ए फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू ए ए शुड बिलोंग्स टू आ ठीक है इफ एक्स बिलोंग्स टू ए देन एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर बिकॉज बिकॉज सेम बुक विल हैविल है तो उसी के सेम नंबर ऑफ पेजेस यानी सेम नंबर ऑफ पेजेस अगर हमारी कोई बुक है ए, कोई भी बुक्स है एक्स अगर उसमें ट्वेल्व पेजेस है तो उसमें ट्वेल्व पेजेस रहेंगे ठीक है तो देर फॉर इट इज ए इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा रिलेशन आ गया ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन ठीक है उसके बाद हम सिमेट्रिक लिखेंगे सिमेट्रिक क्या कहती है फोर ए बी बिलोंग्स टू ए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर ठीक है एक्सवाई बिलोंग्स टू आर मीन्स मीन्स एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस ठीक है जिससे क्या पता चलता है विच इंप्लाइज विच इंप्लाइज वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस देयर फॉर y x belongs to R. Therefore, the the relation is relation is symmetric. ठीक है students. उसके बाद लिखेंगे हम four transitive four transitive transitive क्या कहती है four a b c that belongs to a if a b belongs to r and b c belongs to r then then a c belongs to r ये क्या कहती है हमारी transitive property की property किसकी transitive की अब देखिए x y belongs to r means X and Y have same number of pages. ठीक है स्टूडेंट्स अगर कोई बुक है X और Y दो तो उनके सेम नंबर ऑफ पेजेस है वाई belongs to R आर इसका क्या मीनिंग है इसका मीनिंग है Y and जेड have same number of pages. ठीक है अगर x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है और y और z में इससे क्या कंक्लूड निकलता है इट मींस इट मींस x एंड z आल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस सेम नंबर ऑफ पेजेस देयरफॉर फॉर एक्स बिलोंग्स टू r देयरफॉर द रिलेशन इज रिलेशन इज ट्रांसिटिव बट हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में क्या वो इक्वी बैलेंस रिलेशन है और इक्वी बिलेशन कौन सा होता है जो तीनों रिफ्लेक्सिव भी हो सिमेट्रिक भी हो ट्रांसिटिव तो हम एक लाइन लास्ट में क्या लिखेंगे एज वी सी दैट एज वी सी दैट द गिवन रिलेशन इज द गिवन relation is reflexive reflexive symmetric and and transitive also and transitive also therefore the relation is the relation is an इक्विवेलेंस बैलेंस रिलेशन ठीक है स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है